एक वैक्सीन बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं दो दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। ऐसी ही उपलब्धियों के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। भाइयों और बहनों, भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा, जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है उसे पहले टीका लगेगा, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार है। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है, इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। साथियों, इस टीकाकरण अभियान की पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए हैं, ड्राई रन्स हुए हैं, विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। 1 डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसी गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको यह भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगे
मास्क निकालकर रख दें, दो गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं मत करिएगा। और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं, जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है।